बॉलीवुड के नियम तोड़ने में माहिर निकले आयुष्मान खुराना, इमेज बनाए रखने के लिए करते हैं ये काम। बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना काफी समय से अपनी फिल्म बाला को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म को रिलीज होने में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। ऐसे में आयुष्मान ने हाल ही में अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए बॉलीवुड को लेकर कुछ बातें की। फिल्म विकी डोनर से अपने करियर की शुरुआत करने पर आयुष्मान ने काफी नाम कमाया है। इस फिल्म के बाद आयुष्मान ने कई हिट फिल्में दी है। इतना ही नहीं, अंधाधुंध के लिए तो आयुष्मान को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में अब इस ऊंचाई पर पहुंचकर आयुष्मान ने अपनी सफलता के बारे में बात की। एक्टर कहता है कि आज मैं जहां भी हूं, जो भी मुझे सराहना मिल रही है, उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं बल्कि एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। सराहना मेरी जरूर होती है, लेकिन उसके पीछे राइटर, निर्देशक, साथी कलाकार और खास तौर से निर्माता का बड़ा योगदान होता है। इसे हम गुड कोलैबोरेशन कह सकते हैं। अच्छे कंटेंट के बीच आज प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है। हमको सबसे बेहतर, अलग और अनोखा कुछ क्रिएट करना होगा ताकि लोग उसे देखने सिनेमा घरों में आ सके। मैं अपने दिमाग में यही बात रखकर किसी कहानी या किरदार से जुड़ता हूँ। आयुष्मान ने आगे बताया, मैंने कुछ भी करने से पहले कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मेरी कोई अपनी इमेज नहीं थी, इसलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री के रूल्स तोड़ दिए। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी कोई इमेज होनी चाहिए, मुझे किसी खास तरह से दिखना चाहिए या कुछ भी। सच बात तो यह है कि हम सभी परफेक्ट नहीं हैं। हमारा देश भी ऐसे ही इम्परफेक्ट लोगों से भरा पड़ा है। अब जब अधिकतर जनता इम्परफेक्ट है तो उसे ही हीरो बनाना पड़ेगा, ताकि आम दर्शकों को यह महसूस हो कि उनके अंदर कई तरह की कमियां जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे हीरो हैं। बता दें, फिल्म बाला में गंजेपन और सांवलेपन की अलग अलग कहानियां हैं। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने जा रही है।